हेलो एवरीवन, इंस्ट्रूमेंट सीरीज के पार्ट थ्री को मैं यहाँ डील करूंगी जिसमें ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल होने वाले अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ समझेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसी सीरीज के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे वाल्सेलम के बारे में, एलीस टिश्यू फोर्सेप, बैबकॉक फोर्सेप एंड डिस्पोजल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे वाल्सेलम। सो वाल्सेलम जो है इसके अंदर लॉक होता है, रैचेट लॉक प्रेजेंट है। इसकी जो ब्लेड होती है ये कर्व्ड होती है, घूमी हुई रहती है एक एंगल पे। टिप जो होता है इस टिप के ऊपर कई टीथ प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्म ग्रिप यानी मजबूती से किसी टफ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए इसका मेन इस्तेमाल किया जाता है। एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप होता है उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में जो सर्विक्स होते हैं यानी जो यूट्राइन और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सो सॉफ्ट टिश्यूज को अगर हम इस ट्रोमैटिक इंस्ट्रूमेंट से पकड़ेंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, उससे रक्तस्राव ज्यादा होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गर्भावस्था में इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका इस्तेमाल कम रहता है। इसकी जगह पे किसी और लेस ट्रोमैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को भी होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। सपोज अगर हमको पाउच ऑफ डगला जो स्पेस है यूट्रस और रेक्टम के बीच में, अगर उसमें कुछ ब्लीडिंग है, वहां पे हेमेटोमा है और कुछ फ्लूइड कलेक्टेड है, तो जब हम प्रोसीजर करते हैं कल्डोसेंटेसिस जिसमें पोस्टीरियर फॉर्निक्स का एक्सेस होना जरूरी है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स तक हमें पहुंचना जरूरी होता है और वहां से हम फ्लूइड या फिर जो ब्लड है उसे ड्रेन आउट कर सकते हैं, तो उस दौरान हमें पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करना होता है। तो उसमें हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं और उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज प्रेगनेंसी के दौरान नहीं किया जाता है। सो दिस इज दी वाल्सेलम। दूसरा सेम इसी तरीके से जो टफ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है एलीस टिश्यू फोर्सेप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी रैचेट लॉक प्रेजेंट है, कैच होता है यहाँ पे भी, बट यहाँ पर जो ब्लेड्स वो स्ट्रेट है। जैसे हमने वाल्सेलम में देखा कि यहाँ पर जो ब्लेड होती है वो कर्व्ड होती है, घुमी हुई होती है, लेकिन एलीस टिश्यू फोर्सेप के अंदर दोनों जो ब्लेड्स है वो स्ट्रेट है और ब्लेड के बीच में गैप भी होता है, स्पेस होता है यहाँ पे। इनके टिप पे क्या होते हैं, अगेन मल्टीपल टूथ्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल ऐसे कई क्या होते हैं टीथ्स होते हैं, जॉ जो है यहाँ पे कैसा है मल्टीपल टूथ है, यानी ये भी जो टफ टिश्यूज होते हैं उसे होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेरिटोनियम हो गया, रेक्टस शीट, वजाइनल म्यूकोजा। और अगर सिजेरियन सेक्शन जब किया जाता है तो उस दौरान जो इंसिजन के कारण जो फ्लैप्स बनते हैं यूट्रस एंड एब्डोमिनल वॉल के, उन फ्लैप को भी पकड़ के स्यूचरिंग करने के लिए एलीस टिश्यू फोर्सेप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा भी जो एपिसिटोमी रिपेयर करते हैं यानी जो पेरिनियम के अंदर जब इंसिजन हम देते हैं, कट लगाते हैं, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जब फीटस डिलीवर आउट होता है तो उस दौरान पेरिनियम में इंसिजन देते हैं, कट लगाते हैं एपिसिटोमी, उस एपिसिटोमी को रिपेयर के लिए भी उन टिश्यू एडजेस को पकड़ने का टिश्यू होल्डिंग एलीस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप से किया जाता है। सो जैसे कि यहाँ पर गैप है, ये गैप क्या करता है टिश्यूज को होल्ड करने का काम करता है, ये गैप अलाउ करता है टिश्यूज इसके बीच में प्रेजेंट हो, तो ये भी टफ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए किया जाता है। और इवन जैसे कि एमटीपी प्रोसीजर्स होते हैं मेडिकली, अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जा रहे हैं तो उसके लिए जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं, डायलिटेशन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन, डायलिटेशन क्यूरेटेज, तो उसके अंदर भी सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने का काम भी एलीस टिश्यू फोर्सेप से किया जाता है। नाउ इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये है बैबकॉक। सो बैबकॉक के अंदर देख सकते हैं कि इसमें भी लॉक है, रैचेट लॉक प्रेजेंट है। यहाँ की जो ब्लेड होती है स्पेशली डिजाइन होती है, एक कर्व पे दोनों टिप जो है वो मीट करता है, एज अ रिंग जैसी ओपनिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और इस ब्लेड के टिप पे त्रिभुज के आकार के फेनेस्ट्रेशंस, छेद यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और अगेन यहाँ पे टिप पे कई ट्रांसवर्स सेरेशन भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो ट्यूब के आकार के जो स्ट्रक्चर्स होती है ट्यूब नुमा,
उन स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे ट्यूबोप्लास्टी। फेलोपियन ट्यूब को होल्ड हम करते हैं, सपोज ये फेलोपियन ट्यूब है तो उसमें हम इस तरीके से इसको होल्ड करते हैं ताकि जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स हैं वो इन छेद से बल्ज हो सके, बाहर की ओर निकल सके, वो क्रश ना हो। ठीक है, सो ट्यूबुलर ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए बैबकॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्यूबोप्लास्टी की बात करें जिसमें फेलोपियन ट्यूब को रिपेयर करना है, उसकी पेटेंसी को रिपेयर करना है, तो ट्यूब को होल्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से लिम्फ नोड को भी होल्ड किया जा सकता है कि अगर रेडियल हिस्टेरेक्टमी करनी है जिसमें यूट्रस को रिमूव करना है और सराउंडिंग कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अगर हटाना है, तो उस दौरान लिम्फ नोड को वहां पे जो प्रेजेंट सराउंडिंग लिम्फ नोड जो होते हैं उसे पकड़ने का काम बैबकॉक से किया जाता है। सो अपेंडिक्स हो गए, यूरेटर हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गई, सो जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं उसको पकड़ने का काम इस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी टिश्यू को क्रश नहीं करता है, वरिजन इसको होल्ड करने का काम करता है, जो गैप है इसे ये पकड़ने का काम करता है इस तरीके से। सो दिस इज द बैबकॉक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज द डिस्पोजल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग। सो ये जो डिस्पोजल है, यानी यहां पर आप लॉक देख सकते हैं, इस लॉक को हम प्रेस करते हैं तो परमानेंटली क्या हो जाता है, पूरी तरीके से लॉक, इसको दोबारा से हम खोल नहीं सकते हैं। सो ये कब यूज करते हैं, जब फीटस डिलीवर आउट हो जाता है और प्लासेंटा से अटैच जो कॉर्ड है जो फीटस तक रहती है, जब इन दोनों को हम क्लैंप कर देते हैं और बीच में से कट कर देते हैं, तो फीटस साइड से जो कॉर्ड होती है उसको क्लैंप करने का काम, यानी पूरी तरीके से उसको ऑक्लूड और उसको कंप्रेस करने का काम इस क्लैंपिंग से करते हैं। सो इसको अराउंड फीटस के अम्बिलिकस से 3 से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्लैंप करना होता है। तो यहां पर इस लेक्चर के अंदर हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा, दैट इज वाल्सेलम, एलीस टिश्यू फोर्सेप एंड बैबकॉक एंड दी डिस्पोजल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। इंस्ट्रूमेंट सीरीज के पार्ट 4 के अंदर हम अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू।